दिन मेडिकल स्टोर से नीम की जितनी गोलियां थी वो खत्म हो गई। आईजेड टीम ने सब खरीद ली, किसको पैखाने रख गए, किस मुखाया हो गए, किसको नींद नहीं है। और आज सच्चा तुम्हारे साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है, ये पार्टी नाटक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है। सियासी तौर पर जनाजा निकल रहा है तो हाथ में साइन लगा के आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी कमर दुख रही थी, मैं अस्पताल में शरीक था, मैं आपके बीच आया हूँ, वोट मांग रहा हूँ। अभी देख बयान और चल रहा है, इम्तियाज अली साहब बोलेंगे मेरे को अटैक आ गया। बहुत ही कम समय में ये गुब्बारे चंद ही सांसों में फूल जाते हैं, कमीने उरूज पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। अभी कुरैशी साहब हमारे साथ मेहमान खुसूसी और खास तौर पर मौजूद हमारे भाई करीम कुरैशी साहब, दिल्ली से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफा खान साहब, ताहिर भाई, प्रोफेसर सोहेल जली साहब, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मासूम बेटो बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। ये मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब और इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका एहसान मंद हूँ क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से जिस पार्टी में मैंने खिदमात अंजाम दिए उस पार्टी ने मुझे ठेंगा बताया, मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे 5 मिनट के लिए बात का वक्त नहीं दिया गया। बहरहाल इस मुश्किल हालात में इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर मेरे कांधे से कांधा लगाकर इस जंग में साथ दिया। दूसरी बात, मैं मशहूर आलम दीन महाराष्ट्र के नहीं बैन अक्वामी सतह के आलम दीन मौलाना मोहतरम अली जनाब सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दूं 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तड़पते हुए दिल रखने वाले आलम दीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा क्या अखिलेश यादव आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सब एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर
मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना। इसीलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की ताईद की है। 17 सीटें ऐसी हैं जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी की ताईद नहीं की। औरंगाबाद मशरक की जो सीट है उसमें आती है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से भी है, उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात तो सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही 2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी ये उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दयानतदार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फंड को बिना लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो इस बात को खास तौर पर समझे कि ये देश की एक जहती आपसी भाईचारा बहुत अहम है, हमको नफरत की दीवारों को गिराना होगा। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मजहब देश है, यहां दलित भी बसता है, यहां हिंदू भी बसता है, आदिवासी भी बसता है और अहले ईमान भी रहते हैं। यकीनन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर रहेगा, मंदिरों में घंटियां बजती रहेंगी, बुद्ध विहार में अपनी इबादतें होती रहेंगी, यही देश की खूबसूरती है। मौलाना मोहतरम इस बात को मानते हैं और जानते हैं। मैं आपके बीच ये पैगाम इसलिए देने आया हूं कि मेरे किसी जात का मजहब का नहीं होता, वो सबका होता है और सबका खादिम होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कौन एमएलए क्यों बनना चाहता है, मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी किस्म के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी डिक्लेयर किया है कि मेरी तनख्वाह बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, उसमें से एक पैसा नहीं लूंगा, उसके पूरे फंड को हमारे चंद जिम्मेदारों की कमेटी बनाकर जरूरतमंदों में तकसीम करूंगा। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि एक उम्मीदवार है जो कभी खासदार हुआ करते थे, पैसे देंगे तो ले लो और साइकिल को दे दो। अरे फुकटे की क्या बात कर रहे जी तुम, फुकट फुकटे का पार्टी है, एक ही बात कर रहे तुम, वो कह के पैसे आए उसके, क्या उसकी हैसियत है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका एमपी हो या एमएलए हो, वो आपके दुख दर्द में बाजू खड़े रहे। कभी हमारा सियासी अख्तिलाफ अभी कुरैशी और करीम कुरैशी से था, और एक बात मैं उस वक्त भी कहा करता था, ये दोनों भाई अपने समाज के सुख दुख में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने वो दिन भी देखा कि अहमदनगर में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका ये भाई आपसे वादा करने आया है कि पुलिस स्टेशन का मामला हो या पुलिस कमिश्नर का मामला हो या पुलिस महकमे का मामला हो, मैं आपके साथ
पूरी ताकत से खड़ा हो। अरे जो पूरी जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं गया, बकरीद के मौके पे एक बार गया था वो, उसकी स्टोरी ये थी कि उसका भतीजा भांजा कोई अंदर गया था, उसके वास्ते गया था। देखो मेरे भांजे भतीजे के पास जाने जरूरत नहीं, आप सब मेरे भांजे भतीजे। मेरे दलित भाई भी, मेरे हिंदू भाई भी, सब मेरे रिश्तेदार है, मेरा कुंबा है, मेरी फैमिली है। आपके इस असेंबली हलके में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनका मियाद ऊंचा होना चाहिए, ताकि प्राइवेट के स्कूलों में जो मोटी फीस है उससे आपको निजात मिल सके। दूसरी बात, अस्पताल के मामले में जो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इंशाअल्लाह ताला आपके जो बुनियादी मसाइल है, पीने के पानी आज भी 8 दिन के बाद आता है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आज भी रास्तों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन दो साथियों की मदद से, आपकी मदद से एमएलए बनने के बाद पूरी ताकत से इन कामों को अंजाम दूंगा। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनेगी। मेरा कायद अबू आसिम आजमी जो एक धड़कता हुआ दिल जो मिलत इस्लामिया के लिए काम करता है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के इख्तदार में एक अहम पार्टी बनेगी, ताकि आपके मसाइल, रिजर्वेशन की बात है, औकाफी जायदाद की बात है, एक्सान सिविल कोर्ट का मसला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन तमाम मामलात में मैं और समाजवादी पार्टी एक चट्टान बनकर आपके साथ खड़े होंगे। हमारे कुछ साथियों ने एक खासदार का जिक्र किया, एक आमदार का जिक्र किया, 10 साल इन्होंने क्या झकमा है वो बातें कही। भाई उनका जिक्र ही मत करो, किस्सा दरअसल ये है, एक मशहूर शेर सुनाता हूं, बहुत ही कमजोर है ये गुब्बारे, जब फैते ना गुब्बारे भूखे भूखे भूखे, सही बात, बहुत ही कमजोर है ये भूखे, चंद सांसों में भूख जाते हैं, भूखे तो भूखते ना, बहुत ही कमजोर है ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में भूख जाते हैं, कमीने उज पे आते हैं अपनी औकात भूख जाते हैं। मैं इस मंच से आपको गवाह का कहना चाहता हूं कि इम्तियाज अली अपनी औकात में रहो। मैं यहां के कॉर्पोरेटर शेख अहमद साहब को कहना चाहता हूं, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत से आगे उछाली मत करो, हमने कोई चूड़िया नहीं पहनी है, हम भी तुमको सबक सिखाएंगे। अभी तो भूखे रात की इंतहा है, जब अबू आसिम आजमी का जलसा हुआ हमारे दोनों भाई मौजूद थे, बब्बू भाई मौजूद थे, बाकी सब मौजूद थे। उस दिन मेडिकल स्टोर से नीम की जितनी गोलियां थी वो खत्म हो गई। मालूम हुआ कि वो आईजे का ग्रुप है, आईजे ग्रुप, आईजी, आईजे, आईजे फेस्ट, आईजे टीम, आईजे टीम, आईजे टीम ने सब खरीद लिया, किसको पैखाने रख गए, किसको खया हो गए, किसको नींद नहीं आई। और आज सज्जाद नोमानी साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है, ये पार्टी नाटक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है।
बहुत बड़ी नाटकी है। क्या मोहब्बत से स्टाइल वागा गाएंगे, बालकनी में से हाथ बताएंगे। अब सियासी तौर पर जनाजा निकल रहा है तो हाथ में साइन लगा के आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी कमर दुख रही थी, मैं अस्पताल में शरीक था, मैं आपके बीच आया हूँ, वोट मांग रहा हूँ। अभी तो एक प्लान और चल रहा है, इम्तियाज अली साहब बोलेंगे मैं अटैक आ गया, मुझे वोट दो ताकि मेरी बीमारी अच्छी हो। यानी नाटक किए जाएंगे, भूखराट में बातें किए जाएंगी। एक हमारे छोटे कार्यकर्ता है नवीद भाई, उनको टेलीफोन पर धमकाया गया कल रात में हमारा जो छोटे चौस का कंपाउंड है वहां मैं मौजूद नहीं था। कुछ पुट्टा पार्टी ने इनके बहकावे में आकर कुछ गलत हरकतें की, मैंने पुलिस महकमे में शिकायत की, बाद में ये सोच कर माफ कर दिया, ये बच्चे भी अपने हैं। इनका जो सरगना है, इनका जो बहकाने वाला है, उसको हम निपटेंगे और वोटों के जरिए निपटेंगे। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि 20 तारीख को अपनी निशानी क्या है भाई, अपनी निशानी क्या है भाई, अपनी निशानी क्या है भाई, अपनी निशानी कौन से नंबर पर है, अपनी निशानी कौन से नंबर पर है। उस पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को कामयाब कीजिए, आपकी उम्मीदों को कामयाब कीजिए। बताइए कि आप जिंदा खौम हैं, जिंदा खौम रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच आए